नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं अभी तक की खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 30वें मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। पीएम ने इसके साथ ही अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि इन तीनों युवकों से ब्रिटिश सरकार डरती थी। बता दें कि 23 मार्च 1931 को इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि लोग हफ्ते में एक दिन पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करना छोड़े। साथ ही पीएम ने कहा कि 125 करोड़ देशवासी न्यू इंडिया की मजबूत नींव डालेंगे। पीएम मोदी ने अगले सप्ताह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को रात्रि भोज पर बुलाया है। बता दें कि गुड़ी पड़वा के मौके पर एनडीए की सहयोगी पार्टियों के लिए आयोजित इस भोज में पीएम मोदी आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश कर सकते हैं। भोजपुर जिले के अजीमाबाद थाना क्षेत्र में नूरपुर स्थित बगीचे में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके कारण भोजपुर वासी सहमे हुए हैं। बता दें कि युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई थी। युवक के पेट पर और पीठ पर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार करने के निशान बने हुए हैं। वहीं ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। चोरी करते रंगे हाथ पकड़ने के बाद एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। वहीं रात भर पिटाई के बाद सुबह ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तब जाकर पुलिस मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हसनपुरा गांव में पहुंची और चोर को अपने कब्जे में लेते हुए आरा ले गई। बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ आरा में राज्यव्यापी प्रतिवाद के तहत माली द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ आरा के क्लब रोड से मार्च निकाला गया, जो आरा के विभिन्न मार्गों से होते हुए मार्च आरा रेलवे स्टेशन परिसर पहुंचा, जहां मार्च सभा में तब्दील हो गया। जगदीशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयाशंकर की टीम ने एक बार फिर अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वाले एक युवक को भारी मात्रा में एक ऑल्टो गाड़ी और लादे गए शराब के साथ धर दबोचा। बता दें कि कार में 180 ml के 366 बोतल और 375 ml के 22 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ जब्त किया गया है। इस मामले में जगदीशपुर के रहने वाले राजा नाम के एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। आरा के सदर अस्पताल में निजी क्लिनिक के पोस्टरों की लगी भरमार। बता दें कि यहां बैठने वाले डॉक्टर मरीजों की सेवा में ज्यादा क्लिनिक और अपने प्राइवेट हॉस्पिटल का प्रचार करने में लगे रहते हैं। यही नहीं, सदर अस्पताल के परिसर में अपने अस्पताल की एम्बुलेंस तक लगाते हैं। 1 अप्रैल से पहले ही आ गया जियो का नया ऑफर। ग्राहकों को मिलेगा 120 GB का फ्री डेटा। बता दें कि रिलायंस जियो के फ्री सर्विस वाले ऑफर को खत्म होने में केवल अब 7 दिन बचे हैं और कंपनी की तरफ से ऑफर लगातार पेश किए जा रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का अंतिम मैच धर्मशाला में जारी। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 300 रनों पर आउट। भारत की पहली पारी में दमदार शुरुआत। लोकेश राहुल ने ठोका 50। ओपनर शिखर धवन 128 रन और फास्ट बॉलर धवल कुलकर्णी की हैट्रिक के दम पर इंडिया रेड ने इंडिया ब्लू को देवधर ट्रॉफी वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले में 23 रन से हरा दिया। इंडिया रेड टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 327 रन का स्कोर बनाया। इंडिया ब्लू टीम अंबाती राव जी की 92 रन की पारी के बावजूद 48.2 ओवर में 304 रन पर ऑल आउट हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज में दोनों टीमों के कप्तानों की तुलना करें तो स्टीव स्मिथ का विराट कोहली पर भारी पड़े हैं। बता दें कि इस सीरीज के 4 मैचों में जहां स्टीव स्मिथ के बल्ले से 3 शतक निकल चुके हैं, जबकि विराट कोहली एक अर्धशतक के लिए भी तरसते रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बॉलीवुड की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी करने का सिलसिला नहीं थम रहा है। शिरीष कुंदर के आपत्तिजनक ट्वीट का मामला खत्म नहीं हुआ कि बॉलीवुड एक्टर स्प्रिंकल खन्ना ने यूपी के मुख्यमंत्री को पेट से गैस निकालने के लिए सलाह दे डाली। 90 के दशक के मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन एक बार फिर दमदार फिल्म मात्र की कहानी के साथ स्क्रीन पर वापसी कर रही हैं। बता दें कि शतज सैद निर्देशित फिल्म मात्र 21 अप्रैल 2017 को रिलीज होने जा रही है। वहीं एक सीन की शूटिंग को नेचुरल दिखाने के लिए रवीना ने अपने को स्टार मधुर मित्तल को लगातार 3 थप्पड़ जड़ दिए। फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। रामगोपाल वर्मा ने ट्वीट किया है कि योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है कि वे नरेंद्र मोदी से भी बेहतर हैं, मुझे आशा है कि वे देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए सीएम इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार।